भाई अगर मैं आपको पैसा कमाने के लायक नहीं बना सका तो मेरे को क्या क्या हक बनता है आपसे पैसे लेने का। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। एज यू नो मेरा नाम भावेश है, आप देख रहे हैं शॉर्टकट आंसर। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, विवेक बिंद्रा और संदीप महेश्वरी का कॉन्ट्रोवर्सी एक्सप्लेन करने वाला हूँ शॉर्ट में। और अभी अभी एक और न्यूज़ आ रही है, विवेक बिंद्रा जो कि एक बहुत बड़ी यूट्यूबर के साथ साथ एक बहुत बड़ी बिजनेस कोच भी है, तो उन्होंने अपनी वाइफ को मारा पीटा है, उनकी वाइफ ने मारने के निशान भी दिखाए हैं। बट हम आप टॉपिक पे बात नहीं करेंगे। अगर आपको उस टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप 10 कमेंट कर दो, अगर 10 कमेंट हो गए तो मैं उस टॉपिक पे वीडियो ला दूंगा। ये मामला स्टार्ट हुआ था संदीप महेश्वरी की इस वाली वीडियो से, जिसमें एक लड़के ने खड़े होकर कहा था कि मैं एक बहुत बड़े यूट्यूबर का कोर्स परचेस किया था 50,000 का, जिसमें मुझे यकीन दिलाया गया था अगर मैं वो कोर्स परचेस करता हूँ तो मैं एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन जाऊँगा, और अगर नहीं बन पाया तो मेरे पैसे वापस मिल जाएंगे मुझे, ऐसा मुझे सर ने कहा था। उसने किसी का नाम नहीं लिया था, बट एक समझदार इंसान आसानी से समझ जाएगा कि वो किसकी बात कर रहा था। जैसे ही विवेक बिंद्रा ने वो वीडियो देखा संदीप महेश्वरी का, तो संदीप महेश्वरी को उन्होंने एक लीगल नोटिस भेज दिया कि वो वीडियो को डिलीट करो, और संदीप महेश्वरी ने डायरेक्ट उनका नंबर ब्लॉक कर दिया। और विवेक बिंद्रा को भी खुजली कम नहीं था, तो वो क्या किए, अपने एम्प्लॉयर्स को भेज दिए संदीप महेश्वरी के घर पे, जिससे हुआ क्या, संदीप महेश्वरी ने ये कम्युनिटी पर पोस्ट कर दिया और सब अगेंस्ट हो गए विवेक बिंद्रा के। ये मामला चल ही रहा था कि विवेक बिंद्रा ने चालू कर दिया अपना नया ड्रामा, 10 दिन में MBA करो। आप मेरे को एक बात बताओ, 10 दिन में कौन MBA सिखाता है? ऐसा कुछ भी नहीं था उसमें, मैं खुद 2 दिन अटेंड किया था, कुछ भी बता रहे थे। अगर कोई 10 दिन में MBA कर लेता तो कॉलेज और इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी पागल है क्या जो खोल के रखी है? और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। पहले मुझे भी लगता था कि ये एक डॉक्टर है, लेकिन कल संदीप महेश्वरी सर के वीडियो में पता चला कि इन्होंने डॉक्टर की डिग्री कैसे ली है। और ये 2-3 जगह नहीं, न जाने कितने सेमिनार्स, अपने कितने वीडियोस में हर जगह बार बार बोले हैं कि अगर आप 1,00,000 रुपये महीना नहीं कमा पाए तो आपके पैसे वापस। तो इसीलिए संदीप महेश्वरी सर ने इनका लास्ट ईयर का नेटवर्थ चेक किया, तो पता चला कि वो सिर्फ 50 करोड़ है। तो इससे ही पता चला जब इनके पास उतना पैसा है ही नहीं तो ये सबका पैसा वापस रिटर्न दे कैसे सकते हैं। तो ये जो विवेक बिंद्रा सर जो दावा कर रहे हैं ना, यही पूरा स्कैम है, इनका बिजनेस ही पूरा झूठ पे चल रहा है। अगर आपने एक बार पैसा दे दिया तो आपको पहचानेंगे भी नहीं उसके बाद आप कौन हो। आज संदीप महेश्वरी सर ने आवाज़ उठाया तो हम कम से कम सपोर्ट तो उन्हें कर ही सकते हैं। आएंगे कुछ लोग विवेक बिंद्रा के चाहने वाले कमेंट करने, बट कोई बात नहीं, जब इतने बड़े यूट्यूबर संदीप महेश्वरी सर के भी वीडियो के कमेंट में इतना सारा उसके अगेंस्ट है तो मैं तो चीज़ ही क्या हूँ। मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं सिर्फ सच के साथ हूँ, क्योंकि मैं भी अभी रिसेंटली एक बिजनेस में ज्वाइन हुआ था जिसका नाम है फॉरएवर। मेरे साथ भी 30,000 का फ्रॉड हो चुका है, बट कोई बात नहीं, मेरे साथ हो गया, मैं आपके साथ नहीं होने दूंगा। इसलिए आप किसके साथ हो कमेंट करके बताएं, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, अगर आपको उस टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो वो भी कमेंट कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में।